विधानसभा में चुनावी माहौल गर्म चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की टोलियां गांव-गांव गली-गली घूम रही हैं। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। करैली विधानसभा से बाहरी प्रत्याशियों को भले ही कभी हजम न किया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी बाहरी होने के बावजूद क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय होकर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दो बार के पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह भी बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से गांव गलियों में जाकर अपने पक्ष में मतदान की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान लेकर जनता के बीच में है। इसी चुनाव माहौल को लेकर सरैली विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकारों से आज वार्ता हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, अवनीश पांडे ऑल इंडिया 24 से। आज 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को महासंग्राम में रायबरेली जिले के सरैनी विधानसभा में है। हमारे साथ आज कुछ वहां के वरिष्ठ पत्रकार बंधु थे, जिससे हम उनसे जानकारी लिया कि क्या सरैनी विधानसभा में किस प्रकार का चुनाव किस ओर जा रहा है, क्या विकास के मुद्दों पर चुनावी माहौल दिख रहा है, क्या राजनीतिक या जातिवाद के विशेष उससे भी बात हुई है कि। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं ने जो भी बताया है कि विकास के मुद्दों पर खासकर सरैनी विधानसभा में चुनाव होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। किस प्रकार से बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बसपा या कांग्रेस किस ओर जा रही है, लेकिन हाँ चारों पार्टियां अपने अपने बुरजोर से लगी हुई हैं, चुनावी बटोरे के वोटरों को बटोरने का कार्य कर रही हैं। किस ओर जा रहा चुनावी माहौल, हाँ ये है सभी पार्टियों में टक्कर की भावना से चुनाव अपने अपने मैदान में उतरते हैं, और किस ओर किस दशा में जा रहा है चुनावी माहौल, ये तो आने वाला 10 मार्च को वक्त बताएगा। और हमारे भी साथी बंधु हैं, पत्रकार बंधु, उनसे भी जानकारी लेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी माहौल जिस प्रकार महाकुंभ की तरह हर जिले में चल रहा है, आज हमारे बीच आज 24 में वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण से अतुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज 24 में। अतुल जी, आप ये बताइए कि जो इस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है रायबरेली जिले में, आपकी विधानसभाओं में सरैनी विधानसभा जैसे खासकर एक राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, आप क्या माहौल चल रहा है सरैनी विधानसभा में खासकर? देखिए, सरैनी विधानसभा में आज तक सर्वाधिक बार तो कांग्रेस ने ही विजय पाई है, लेकिन 3 बार भाजपा का भी सीट पर कब्जा रहा है। बसपा पिछले 3 बार से दूसरे नंबर पर रही है, हालांकि उसे जीत आज तक हासिल नहीं हो सकी है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि सरैनी विधानसभा में हमेशा बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया है। सरैनी विधानसभा ने कभी बाहरी प्रत्याशी को हजम नहीं किया है। कभी भी कहीं बाहर से ला करके प्रत्याशी थोपा गया तो सरैनी विधानसभा ने उसे हमेशा नकारा है। लेकिन आप जिस प्रकार से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के सरैनी विधानसभा वर्तमान विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह है, वो कह रहे हैं कि 400 करोड़ की लागत से हमने सरैनी विधानसभा जाल बिछाया है, किसानों के लिए नहरों में पानी लाया हूँ, 2 ITI कॉलेज दिया है। आप किस प्रकार से उसको विश्लेषण कर रहे हैं या किस प्रकार से देख रहे हैं? पिछले 5 साल में ये तो सही है कि पिछले 2 दशकों में यानी 20-25 साल में नहरों में पानी नहीं आया, नहरों में धूल उड़ा करती थी। भारतीय किसान यूनियन ने कई बार एक एक महीने तक का धरना प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद नहरों में एक बूंद पानी नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरैनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने सदन में इस बात का मुद्दा उठाया था, इसके बाद नहरों में पानी भी आया और पुरजोर तरीके से आया। आपका कहने का मतलब है हालांकि अभी भी सरैनी विधानसभा की कई नहरें ऐसी हैं जिनकी टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है। उसका कारण डलबों पीपम कैनाल का ठीक न होना है। अभी भी नहरों में सफाई के साथ पंप कैनाल के उच्चीकरण का कार्य बाकी है, इसे भी कराया जाना चाहिए। रही बात सड़कों के जाल की, तो 400 करोड़ की लागत से उन्होंने सकरी सड़कों का चौड़ीकरण कराया है। जो सड़कें कभी पैदल चलने के लायक नहीं थी, आज उन पर चौपहिया वाहन तेजी से फर्राटा भर रहे हैं। कई सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसा भी हम भी आप सरैनी विधान सर्वे किया है कि सरैनी से लालगंज की रोड उन्होंने चौड़ीकरण और इस पर बहुत अच्छा रोड बनाया है, और सराय बैरियर टू भोजपुर की रोड बन रही है, लेकिन इसके सिवा 400 करोड़ की लागत से और कौन सी सड़क ऐसा इतिहास रच दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ, इन 2 सड़कों के अलावा आप क्या कहना? देखिए, 2 सड़कें नहीं है, इसके अलावा भी कई प्रमुख मार्ग हैं जिनका इन्होंने डामरीकरण कराया है। 400 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। विधायक देखते उन्होंने चौड़ीकरण कराया है, ये कार्य कराया उन्होंने विधायक जी ने, जाल बिछाने का ये नहीं कि मतलब उन्होंने कोई नई सड़कें बनाई, उसमें जो चौड़ाई बढ़ाई गई है
ये रिपेयरिंग का कार्य हुआ है, चौड़ाई बढ़ाएंगे, ये कार्य किए गए उनके द्वारा। क्या भारतीय जनता पार्टी का आपका कहने का मतलब है कि आप पुनः अभी वर्तमान विधायक ही जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाहे सपा की बात कर ले, चाहे बसपा की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आपने कहा विकास अच्छा हुआ तो विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा 2022 का। नहीं नहीं, वो विकास की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया तो जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। अब जनता उनसे कितना संतुष्ट होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो उन्होंने बोया होगा वो काटेंगे। क्या माहौल है, क्या कांग्रेस का उम्मीदवार सुधा द्विवेदी इस बार जीत हासिल करेंगे या समाजवादी पार्टी से पूर्व राजा अजय सिंह? नहीं, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ के पूर्व विधायक अगर देखा जाए तो पार्टी की गतिविधियों या कार्यकर्ताओं से कैसा भी उनका रुक रहा होगा, जिन्होंने असमर्थता जताई कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रत्ना पांडे थी कांग्रेस की तरफ से, वो काफ़ी मेहनत की, उनको टिकट ना देकर कहीं ना कहीं यहाँ श्री फाउंडेशन चेयरमैन मनोज द्विवेदी की धर्मपत्नी सुधा द्विवेदी को टिकट दिया गया, क्योंकि सरेनी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस लास्ट समय अपना जो है कि ये पावर गेम खेला है। अब जनता कितना इस पर खुश होती। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से ये अफवाह उड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ कार्यकर्ता भी नाखुश हैं, इस पर आप क्या देख रहे हैं? आपकी जो आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने कितना क्या सर्वे किया कि सरेनी विधायक कैसा भी कहीं पांडे जी ये जरूर हो रहा है कि मतलब कुछ कार्यकर्ता विधायक जिसे नाराज भी दिख रहे हैं, कुछ खुश भी दिख रहे हैं। विधायक जिसे नाराज दिख रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नहीं, क्या, इसको अगर बात देखी जाए तो कुछ लोग संगठन के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनसे भी नाराजगी जता रहे हैं, और विधायक जी से भी हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है, जिनके कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनके कार्य कर रहे हैं वो विधायक जी के साथ चल रहे हैं। अच्छा, आपका जो वर्तमान विधायक हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनके सामने भी कुछ लोगों ने पर्चा दाखिल किया था उम्मीदवारी के लिए जी, तो धीरेन्द्र बहादुर सिंह को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी से आप कितना उचित समझ रहे हैं? नहीं नहीं, वो जीते हुए विधायक थे सरेनी विधानसभा से, और तीसरी बार उनके ऊपर भरोसा जो है कि पार्टी ने जताया है। अब ये समय बताएगा कि उन पर इस बार जनता क्या फैसला। अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से करती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या उसका कामगार होगा सरेनी विधानसभा में सुधा द्विवेदी को टिकट देकर? आप कितना उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, विजय की ओर देख रहे हैं कि आप लड़ाई की ओर देख रहे हैं या पराजित की ओर देख रहे हैं, कैसा भी आप? नहीं नहीं, ये कहना साफ नहीं होगा कि उनकी विजय हो जाएगी। ये हुआ है कि भाई प्रियंका जी कह रही थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा दिया था, उसका कैंपेन चला है। अब ये है कि अब कितना इस पर जोर होगा ये तो आने वाले समय बताएगा। हाँ, ये हुआ है कि इन्होंने महिला को टिकट देकर सुधा द्विवेदी को कहीं ना कहीं अपना दांव खिलाया। जैसे भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पहले बसपा में मांगा सुधा द्विवेदी ने, इनके चेयरमैन हस्बैंड है मनोज द्विवेदी ने, तो बसपा में गए, उसके बाद भाजपा में टिकट मांगा, उनका प्रचार किया मेरा परिवार भाजपा परिवार, उसके बाद उनको टिकट वहां से नहीं हासिल हुई तो उन्होंने तत्काल तुरंत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके टिकट मिल गया। इसको आप कितना सही समझ रहे हैं, कितना अपने हिसाब से आप क्या? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए श्री फाउंडेशन मनोज द्विवेदी की बात अगर कर रहे हैं तो एक समाज सेवी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। उनका राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो इससे पहले हमको तो लगता है कहीं था नहीं, समाज सेवा ही कर रहे थे, पर इस बार पता नहीं क्या हो गया उनको, क्या चैलेंज हो गया, क्या उन्होंने चुनौती समझ ली थी जिसको लेकर उन्होंने एक अपने अंदर मन बना लिया था कि हमको किसी भी पार्टी से टिकट मिलेगा तो हम विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। उनको तो एक ये मुद्दा था कि मैं समाज सेवी के साथ साथ राजनीतिक भी अपना परिचय अपना कार्य कर सके। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो समाज सेवी से नहीं हो सकते हैं, राजनीतिक से हो सकते हैं। जी जी, ये बिल्कुल है, बिल्कुल। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से राजा अजय सिंह थे, उनको भी राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने वहां से उम्मीदवारी घोषित किया है, उन पर क्या क्या माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी? अगर रायबरेली जनपद की अगर 6 विधानसभाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सपा जो है कि परिवर्तन किया है, पर ये पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जो उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट बदलाव किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका टिकट नहीं काटा गया, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप ही रायबरेली विधानसभा में कुछ सीटों को परिवर्तन किया, तो क्या उस जिस पार्टी में मतलब जिस उम्मीदवारों को परिवर्तन किया है वहाँ पर क्या साइकिल तेजी रफ्तार से पकड़ेगी या और धीमी हो जा रही है, आपसे क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी है लोगों के अंदर कि जो 10-10 साल से लगे थे पार्टी की
कार्य कर रहे थे उनको आयन वक्त में टिकट काट दिया गया। पूर्व विधायक थे जो जीते हुए थे पूर्व में, उनका टिकट काट दिया, नए चेहरे को उन्होंने उतार दिया। इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी, कार्यकर्ता भी नाराज है जो उनके समर्थक थे पूर्व वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच संदीप फिजा, वरिष्ठ पत्रकार लालगंज, जिन्होंने ऑल इंडिया 24 में कुछ अपना महत्वपूर्ण समय देकर चुनावी माहौल 2022 का कुछ अपना परिचय दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया 24 आपकी बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी महासंग्राम में आज रायबरेली के लालगंज तहसील से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह हैं। अब आज हम उनसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है चुनावी माहौल का सरेनी विधानसभा में, क्योंकि सरेनी विधानसभा में पूर्व सपा विधायक राजा अजय सिंह पूर्व में एक बार MLC रहे हैं और 3 पंचवर्षीय से उनके घर पर ही लालगंज ब्लॉक प्रमुख भी प्रत्याशी रहा है और ब्लॉक प्रमुख भी जीतते चले आ रहे हैं 3 पंचवर्षीय से, और 2 बार से सरेनी विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। वर्तमान में भी वो सपा की उम्मीदवारी में है। क्या आप किस प्रकार, किस रफ्तार में साइकिल चलेगी सरेनी विधानसभा में, आप क्या रुझान देख रहे हैं? सही प्रश्न किया उन्नीस जी आपने। ये सही है कि रायबरेली जिले की जो विधानसभा क्षेत्र सरेनी है, यहाँ का चुनाव वास्तव में दिलचस्प मोड़ पर पहुँच चुका है। साइकिल किस रफ्तार पर चलेगी ये तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं किस रफ्तार से चलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। 23 तारीख को चुनाव होना, इसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। लेकिन हाँ, ये सपा विधायक के विषय में आपने पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह राजा अजय सिंह के विषय में पूछा आपने, तो ये सही है कि शालीनता के मामले में राजा अजय से बेहतरीन कोई हो नहीं सकता है। क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार प्रधान रहे हैं, इनका राजनीतिक करियर प्रधानी से ही शुरू हुआ था, उसके बाद प्रमुख रहे हैं लालगंज के और रायबरेली जिले से MLC भी रहे हैं, 2 बार सपा के टिकट से विधायक भी चुने गए सरेनी से, कार्यकाल इनका सराहनीय भी रहा है। लेकिन रायबरेली की जनता हर बार परिवर्तन किया है, भले ही 2 बार विधायक रहे हों लेकिन लगातार 2 बार विधायक नहीं हुए हैं, ये भी इतिहास रहा है सरेनी का। संकेत भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और भाजपा से भी वो उम्मीदवारी हैं, आपका क्या संकेत जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी पुनः दोबारा विधायक नहीं बन पाएगा? नहीं, हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि बन पाएगा कि नहीं बन। अभी आपने बोला ना कि वो कभी लगातार कोई विधायक नहीं बना 2 बार। नहीं, लगातार तो बने हैं, जैसे गिरीश नारायण पांडे जी 2 बार विधायक बने, लेकिन कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं रहा है, ये सत्य है। तो मैं तुलना एक दूसरे की नहीं कर रहा हूँ, कार्यकाल सबका बेहतरीन रहा है। लोगों को कहना कि गुंडागर्दी सपा सरकार में बहुत चल रही थी, लोगों को शोषण बहुत किया जा रहा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आप किस प्रकार? देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि सरेनी विधानसभा पूरे प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, किसी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं। वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ये करना, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, बाकी लूटमार, गुंडागर्दी, ये सब अफवाहें हैं, सरेनी में ऐसा कुछ है नहीं। वर्तमान में जो मैंने दौरा किया क्षेत्र का, वर्तमान में जो मैंने दौरा किया सरेनी विधानसभा क्षेत्र का, तो अभी तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, साइकिल की रफ्तार तो बढ़ी है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार साइकिल की रफ्तार में तेजी आई है। अब ये तो समय बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा कि रफ्तार कितनी तेज है। नहीं, डबल इंजन की सरकार तो हम नहीं कहेंगे, नाखुश भी नहीं कहेंगे, कहीं नाखुश भी है। विधायक पोस्टर के द्वारा या मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा है कि 400 करोड़ की लागत से सरेनी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया नहीं, जाल में पानी लाया गया है, 2 ITI कॉलेज का निर्माण भी शिलान्यास भी किया गया है। नहीं, जाल तो नहीं बिछाया गया है, जो सड़कें ऐसे ही पड़ी थी, सिंगल रोड थी, आने जाने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही थी, उन सड़कों का जीर्णोद्धार चौड़ीकरण सरेनी विधायक जी ने कराया है वर्तमान में, ये सत्य है। आप भी उस बिलोंग कर रहे हैं उसी सरेनी विधानसभा में, लोग कहते हैं कि लालगंज से सरेनी सराय बहरिया टू भोजपुर की रोड का चौड़ीकरण कराया उन्होंने, अच्छी तरह से कराया, ये तो बहुत सराहनीय कार्य रहा है।
क्या हुआ और क्या हुआ 400 करोड़, और कौन सी सड़क ऐसा निर्माण इन्होंने करा दिया हो या डलमो ब्लॉक के लोगों को फायदा मिला हो? देखिए, पूर्व में कुछ सड़कों का जो उद्घाटन सपा के विधायक राजा देवेंद्र प्रताप ने किया था, लेकिन चुनाव आने पर दोबारा विधायक नहीं बने वो, तो उस वो जो अधूरी सड़कें थी उनका कार्यकाल उनका काम जो है वर्तमान विधायक ने पूरा कराया। चौड़ीकरण बेहटा से सरेनी भोजपुर मार्ग का चौड़ीकरण विधायक जी ने कराया, वर्तमान विधायक भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने। और जो सराय बैरिया खेड़ा से भोजपुर रोड जा रहा उसका भी चौड़ीकरण नहीं हुआ था, आज़ादी के समय से बनी सबसे पुरानी रोड, मुझे लगता है सबसे पुरानी रोड वही है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक धीरेन्द्र बहादुर कितना विकास किया है सरेनी विधानसभा में, तब भी जिस प्रकार से पिछले पंचवर्षीय में टोली बाई टोली कार्यकर्ताओं की निकलती थी और अपने झोले में अधिक से अधिक वोटरों को बटोरने का कार्य कर रही, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि स्वयं धीरेन्द्र बहादुर सिंह क्षेत्र में निकलना पड़ रहा है, विकास के क्षेत्र में इतना विकास किया तो क्षेत्र में क्यों इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या कारण है? और क्या कार्यकर्ता क्या नाखुश है या देखिए अवनीश जी, विधायक जो भी हुए हैं अपने अपने समय में जो भी योजनाएं आती थी उनका विकास सभी विधायकों ने कराया है, धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने भी विकास कराया है, इसमें इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। राजा अजय ने जैसे पावर हाउस कई जगह बनवाए, एक रौतापुर में बनवाया विद्युत उपकेंद्र, मलके गांव में बनवाया, कार्यकर्ता भी अपने झोली में वोटरों को बटोरने का कार्य कर रही थी, लेकिन वर्तमान की स्थिति जगमगाती हुई दिख रही है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि मतदाता या कार्यकर्ता नाराज इसलिए है कि विधायक जी ने एक पक्षी कार्य किया है, ये भी कारण हो सकता है। और मतदाता या टोली के जो भी सदस्य रहे हों उनको ये डर है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, चुनाव जीतने के बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा, ये भी डर मतदाताओं के अंदर या कार्यकर्ताओं के अंदर छुपा हुआ कि हम मतलब किसके साथ लड़ाई में है भारतीय जनता पे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जीत को। लड़ाई तो बहुत ही दिलचस्प है, कांग्रेस सपा बसपा भाजपा महासचिव प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती के तहत सुधा द्विवेदी को टिकट देकर एक रायबरेली में एक मतलब जैसे हवा आंधी चली है पुनः कांग्रेस की, नहीं तो मतलब बतल हो चुका था, लेकिन हाँ टिकट के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सूझबूझ से टिकट प्रत्याशी अपना घोषित किया, पर क्या कितना प्रभाव पड़ेगा सुधा द्विवेदी को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद? हाँ, ये तो ये सही क्वेश्चन आपने किया, ये सही है कि सुधा द्विवेदी पहले बसपा के लिए प्रयास कर रही थी, फिर भाजपा के लिए प्रयास कर रही थी, फिर कांग्रेस से टिकट उनको मिला, लेकिन काफ़ी लेट उनको टिकट मिला, और यही टिकट थोड़ा पहले मिलता तो कांग्रेस और मजबूती से आगे बढ़ सकती थी। मतलब लड़ाई में है, लड़ाई में है, लड़ाई तो दिलचस्प है, चतुष्कोणीय लड़ाई है, एक पक्षी किसी के पक्ष में नहीं है चुनाव। अभी तो मान लिया 10 दिन का समय बाकी है चुनाव का, अभी अपना रिपीट उम्मीदवार ठाकुर प्रसाद यादव को दिया, प्रत्याशी घोषित किया, उन्होंने पिछली पंचवर्षीय में से दूसरे नंबर में थे सरेनी विधान। हाँ, ये सही है, बसपा ने पहली बार लगातार 2 बार टिकट दिया है ठाकुर प्रसाद यादव को, पिछली बार रनर रहे हैं ये ठाकुर प्रसाद यादव, लेकिन उतना फर्क मेरी समझ में जो मैंने रुझान देखा है क्षेत्र का उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि एक सरेनी विधानसभा के जो भी मतदाता हैं वो कभी बाहरी प्रत्याशी को पसंद नहीं किए। समय देकर अपने क्षेत्र का विकास कार्यों को या रुझान को 2022 के चुनावी महासंग्राम को इतना टाइम दिया और अपनी बातों को ऑल इंटर रिपोर्ट के सामने रखा, अपने हमारे दर्शकों को आपने भी अपने शब्द दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।